वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत हमेशा ऐसे कपड़े शब्द पहनते हो। वैसे जब पहनता हूँ तो वैसे ही पहनता हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो यूं ही रहूंगा। नहीं वो क्या है कि हमारे में कहावत है, लगे नौ ना कुर्ता पठानी सलवार तब लगे मर्द वरना लगे बेकार। वेरी चंगा। वैसे आप खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है ना कि हम दोनों के बाजू का जन्म एक ही दिन पे है। ट्विन्स। वेरी फनी। फनी फनी फनी। रहने दीजिए ना, अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ, गोरिया कलाइयाँ, बना ले मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बाल। चलिए। अच्छा तुसी, सॉरी जी, आप तुसी कहिए ना, अपना लगता है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। सुनिए रायचंद जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी। वो क्या है ना कि आप जो चाहते हैं ना वो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? बस नहीं दे सकते। अरे ट्राई तो कीजिए ना। नहीं दे सकते ना, बाबूजी आपको नहीं देंगे। बाबूजी से मैं मांग लूंगा। बाबूजी आपको हमारी दुकान क्यों देंगे? अरे इसमें क्या दुकान, और दुकान? अरे हमारी भारत हलवाई और क्या? अरे केड़ी दुकान की बात कर रहे हैं यार? आई डोंट नो। सब कुछ ठीक था, लेकिन अपनापन क्या होता है? घर तक आ गए और है रुबा वो भी हो गया। दोस्ती की भी तो लिमिट होती है ना। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं ना? कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं ना? कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सड़क नहीं। चुप तो नहीं ना? ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते। और एक बात और बता दो, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।